करौली जिले के सपोटरा उपखंड मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित रावठरा का प्राचीन चमत्कारी शिव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। पूरे सावन माह में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और हर हर महादेव के स्वर गुंजमान होते हैं। यूँ तो हर वर्ष ही यहाँ श्रद्धालुओं की आवक रहती है, लेकिन सावन मास में भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है और बिलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहता है। इतिहासकारों के अनुसार यह शिव मंदिर 300 से 400 वर्ष पुराना है, जो कि कालीसील बांध के तट के समीप है। दर्जनों सीढ़ियां ऊपर चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। उस समय बंजारी जाति के लोगों ने रामठराग में किले के नीचे महादेव मंदिर की स्थापना कराई थी। सैकड़ों वर्ष प्राचीन रामठराग के शिव मंदिर में भगवान शिव के बड़े आकार की श्वेत चमत्कारी प्रतिमा है, जिसकी गर्दन टेढ़ी है और शिव की दाई ओर गणेश जी और बाई ओर माता पार्वती की प्रतिमा है, जबकि सामने शिवलिंग में नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इतिहासकार व ब्रजरों के अनुसार शिव मंदिर की भगवान की प्रतिमा प्रतिदिन 3 बार रंग बदलती है। सुबह के समय प्रतिमा का रंग श्वेत रहता है और दोपहर में आसमानी और सायंकाल प्रतिमा मटमैला हो जाता है, जिसे देखकर यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु आश्चर्यचकित होते हैं। गुरु महाराज जी से कि अपने महादेव मंदिर पर कहाँ कहाँ के भक्त पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं? नाथाड़ी, कूड़ेबाजना, रामठरा, सपोटरा, भंडारे की पूरा। यहाँ पर ऐसा क्या विशेषता है महाराज जी मंदिर के? मंदिर की विशेषता मूर्ति बदलती है। सवेरे बिल्कुल सफेद, दोपहर के नीला, शाम को काला। बताया जाता है कि रियासत काल के दौरान मंदिर के आसपास हजारों घर बसे हुए थे, लेकिन उस दौरान कुछ विशेष लोगों के अत्याचार से तंग आकर लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा। उसके बाद शिव भगवान की प्रतिमा ने भी चमत्कार दिखाते हुए अपना सिर दाएं कंधे की ओर मोड़ लिया और शिव प्रतिमा के मुंह की ओर वर्तमान में सपोटरा क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ पर 2.5 दशक पूर्व पार्वती की प्रतिमा चोरी हुई थी। बुजुर्ग बताते हैं करीब 2.5 दशक पहले चोरों ने शिव भगवान की प्रतिमा को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। ऐसे में चोर मंदिर की से पार्वती की प्रतिमा चुरा ले गई। प्रतिमा को चोरों ने कहीं जमीन में दबा दे लिया, लेकिन चोरों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण लोगों को प्रतिमा के बारे में बताया गया। उसके बाद प्रतिमा को पुनर्स्थापना कराई गई। ये हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग भगवान शिव की आराधना पूजा करने आते हैं। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत विशेष भीड़ है, यहाँ पर भक्तों की लगी रहती है। अभी भी देखिए आप एक बज चुके हैं, फिर भी लगातार भक्तों की संख्या ताता बना हुआ है। और ऐसा यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि मतलब यहाँ पर जो ये भक्त सच्चे दिल से यहाँ पर आता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, भगवान ये भोलेनाथ इन सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और रामठरा का यह प्राचीन शिव मंदिर न केवल धार्मिक महत्व लिए हुए बल्कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी रमणीय स्थल है। करीब 5 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर चारों ओर से हरियाली से लगभग है। समीप ही रामठरा फोर्ट होने से यहां देश विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं, जहां के प्राकृतिक सुंदरता बरवासी लोगों को अपनी ओर खींचती है। पहाड़ी क्षेत्र में छाई हरियाली और समीप ही कालीसील बांध का मनोरम दृश्य लोगों को आकर्षित करता है। इसके चलते इस प्राकृतिक छटा को देखने के लिए भीड़ बहुत उमड़ पड़ती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सपोटरा से देवेंद्र सेहरा की रिपोर्ट। ये भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। बंजारे द्वारा इनकी स्थापना करवाई, बड़े लोग बताते हैं सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर सभी मनोतियाँ पूरी होती है। आज से पहले यहाँ नागा साधु ही सेवा करते थे, अब भी मंदिर में साधु विराजमान है, इनके आज से ही सेवा होती है। और दिन में 3 कलर मूर्ति बदलती है। किंवदंतियों के अनुसार पूर्व में भोलेनाथ की मूर्ति की जो गर्दन है पहले सीधी हुआ करती थी, किसी कारणवश भोलेनाथ की गर्दन टेढ़ी हो गई, उसके बाद ही यहाँ पे बसी बसाई बस्ती उजड़ गई। यहाँ पहले गांव भी बसा करता था रामठरा, और जैसे ही गर्दन टेढ़ी हुई तो बस्ती उजड़ गई। आज तक यहाँ कोई बस्ती नहीं है, सिर्फ किले में ठाकुर साहब रहते हैं, 3 स्टार होटल है उनका।
बॉलीवुड से ही लोग आते हैं। बालाजी न्यूज सपोर्टर।